परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 15वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले बार के अध्ययन में हमने सीखा कि समय के दौरान काइन और हाबील को अपना उत्तम और सर्वश्रेष्ठ भेंट चढ़ाने की क्रिया प्रभु ने सिखाई थी। हाबील ने आज्ञा का पालन किया और इस तरह वह और उसकी भेंट को स्वीकारा गया और उसे सम्मान भी मिला, और दूसरी ओर कैन और उसकी भेंट को अस्वीकारा गया। जब कैन की भेंट को प्रभु ने अस्वीकार किया, प्रभु का वचन उस विषय में कहता है कि कैन बहुत क्रोधित हो गया और उसका मुंह उतर गया। आइए आज का मुख्य वचन पढ़ें, जो उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 5 से लेकर 7वें वचन तक है। काइन और उसकी भेंट को अस्वीकारा गया, इसलिए काइन बहुत नाराज हुआ, उसका मुंह उतर गया। प्रभु ने काइन से पूछा, तो क्यों नाराज है, क्यों तेरा मुंह उतरा हुआ है? यदि तू भलाई करे तो क्या मैं तुझे ग्रहण न करूंगा? किंतु यदि तू भलाई न करे तो देख, तेरे द्वार पर पाप खड़ा है, वह तेरी कामना कर रहा है, तू उसको अपने वश में कर। उपर्युक्त वचन के अनुसार चलो आज के विषय का खुलासा करते हैं। आज का विषय है डोमिनोस प्रभाव, जो अनंत काल के मृत्यु की ओर ले जाता है। जैसे कि हमने पहले सीखा, काइन और उसकी भेंट को अस्वीकारा गया क्योंकि वह कभी भी अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं था, और इसीलिए उसने कभी भी विश्वास के साथ अपनी भेंट को नहीं चढ़ाया। काइन की आज्ञा न मानने का स्वभाव और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निर्देशों को अनदेखा करने के व्यवहार के कारण उसने प्रभु के अस्वीकरण का अनुभव किया था। जब उसके जीवन में अस्वीकृति आई तो उसका चेहरे का भाव पूरी रीति से बदल गया। वह तुरंत बहुत ही क्रोधित हो गया और ऐसा वचन में उल्लेख किया गया है। जब आप और हम हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में परमेश्वर के निर्देशों को अनदेखा करते हैं और प्रभु के जीवित वचन को ना मानकर समझौता करने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु की ओर से अस्वीकृति का कार्य, जो सुधार की ओर ले जाती है, आपके रास्ते में आएगी और आप अपने आप को काइन की स्थिति में कुछ परिणामों का सामना करते हुए पाए जाएंगे। अब आपको यह समझना होगा कि ये अस्वीकृति और सुधार या तो स्वयं प्रभु की ओर से आएगा या तो प्रभु के सेवकों की ओर से आएगा, जैसे कि हमारे कलीसिया के पासबान जी, बुजुर्ग लोग या फिर कलीसिया के अगुओं द्वारा। जब सुधार आपके रास्ते में आता है तो आप क्या करते हैं, आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप कैन की तरह प्रतिक्रिया करते हैं, क्रोधित होकर प्रभु या अपने कलीसिया के अगुओं पर नाराज होते हुए, या फिर अपने गलत तरीकों को सुधार कर विनम्रपूर्वक पश्चाताप करते हुए? मैं फिर ये सवाल पूछना चाहूंगी, हमारी प्रतिक्रिया कैसे होती है? यदि हम उपर्युक्त कहानी की जांच करें तो हम इन घटनाओं का एक श्रृंखला देखते हैं। पहली बात, सुधार अस्वीकृति के रूप में आता है और देखते हैं कि काइन को गुस्सा आता है। गुस्से के कारण दरवाजे पर पाप को आते देखते हैं और उस पाप के सामने समर्पण करते हुए घुटने टेकते हुए काइन को देखते हैं और अंत में एक खूनी या हत्यारे के स्तर पर उसे पाया जाता है। इस गड़बड़ी से भरी हुई परिस्थिति में
मैं चाहती हूँ कि आप सभी यह जान लें कि हमारे प्रभु प्रेममय है और वह एक ऐसा परमेश्वर है जो पाप में गिरे मनुष्य की तलाश में आता है। इर्दन में परमेश्वर ने आदम की खोज में आया था और अब वह कैन की तलाश में आता है। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह भी पाप में गिरे हुए मनुष्यों के लिए इस दुनिया में आया था। परमेश्वर वह है जो हर बार हमें ढूंढते हुए आते हैं जब हम भटक जाते हैं। यह बात हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन है। परमेश्वर आए और उन्होंने कैन को चेतावनी दी, लेकिन कैन ने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। कैन ने पाप को उसके दिल के द्वार पर आने की अनुमति दी और ऐसा करके उसने पाप को अपने जीवन के अंदर आने दिया और स्वयं को नष्ट करने की अनुमति भी दी, जिसके लिए प्रभु ने उसे श्रापित किया। ध्यान दे कि आदम के मामले में परमेश्वर ने केवल जमीन को श्रापित किया था, लेकिन आदम को नहीं। कारण यह है कि जब आदम ने पाप किया था तो उसने केवल खुद ही को चोट पहुंचाई थी, लेकिन जब कैन ने पाप किया तो उसने अपने भाई को भी चोट पहुंचाई। क्या आपकी गिरी हुई व्यवस्था किसी और को परेशान करती है? क्या आपका पाप दूसरों को प्रभु के निकट आने के लिए बाधा बन गई है? जब आप पाप कर रहे हैं तो क्या आप किसी को चोट पहुंचाते हैं? जरा सोचें। कलीसिया, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्य और प्रतिक्रियाएं बहुत मायने रखती हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं डोमिनोज प्रभाव या घटनाओं की एक श्रृंखला बन जाती है जो हमारे भाइयों या मसीह में लोगों की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनती है। आज परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं, सतर्क रहें, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जिस तरह से हम आसपास के स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं वह या तो लोगों को परमेश्वर के करीब लाकर उन्हें अनंत जीवन का हिस्सा बना सकता है, या फिर हमारे प्रतिक्रियाएं उन्हें प्रभु से दूर करके उन्हें भटका के उन्हें अनंत मृत्यु तक ले जा सकता है। चुनना आपको है। अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रभु परमेश्वर के प्रेम से प्रदर्शित करें और अब से आप विनम्रता पूर्वक सुधारों और हर एक सीख को स्वीकार करें और हर पाप से दूर रहें। अगर आप इन वचनों का पालन करते हैं, आप निश्चित रूप से प्रभु के देह में कई लोगों के लिए आशीष का एक पात्र बन जाएंगे। दूसरों के लिए आशीष बने और आशीषित रहें।